good morning children so today in evs we are going to continue with the same chapter 8 safety and first aid yesterday i have taught you what do you mean by safety what do you mean by first aid देन आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन यू अ शॉर्ट स्टोरी टू शॉर्ट स्टोरीज क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए क्या क्या सेफ्टी हमें लेने चाहिए देन वी हैव स्टडीड अबाउट सेफ्टी एट होम किचन में क्या क्या सेफ्टी लेना चाहिए इन द बाथरूम एंड अदर प्लेसेज इज इंट इट वी हैव रेड यस टे सो टूडे वील मूव ऑन फर्दर विद द सेम चैप्टर दैट इज सेफ्टी ऑन द रोड चिल्ड्रेन ओके रोड so, पर चलते वक्त हमें क्या क्या सेफ्टी करना चाहिए फर्स्ट वॉक ओनली ऑन द पेवमेंट हमें हमेशा पेवमेंट पे पेवमेंट वर्ड द वर्ड पेवमेंट मीन्स फुटपाथ फुटपाथ जानते हो ना रोड के कॉर्नर में जो रहता है एरिया हमें हमेशा पेवमेंट में चलना चाहिए और अगर बाई चांस कहीं आपको पेवमेंट नहीं दिखता है तो यू शुड ऑलवेज वॉक ऑन द राइट साइड फेसिंग द ऑन कमिंग ट्रैफिक सो दैट यू कैन सी कमिंग व्हीकल्स क्या होगा उससे अगर पेवमेंट है तो वेल एंड गुड और अगर पेवमेंट नहीं है क्योंकि पेवमेंट पर तो व्हीकल्स व्हीकल्स जो रहते हैं वो नहीं ड्राइव होते हैं सो यू आर सेफ बट इन सम प्लेसेस यू कैन नॉट फाइंड पेवमेंट्स तो आपको क्या करना चाहिए वो रोड के हमेशा राइट साइड फेस करते हुए ऑन कमिंग जो सामने से ट्रैफिक आ रही है उसे आपको देखते हुए वॉक करना चाहिए इससे क्या हेल्प होगा आपको यू कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स आप एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हो बहुत ही ईजिली next comes cross this was first one second is this क्रॉस रोड्स आर कन्फ्यूजिंग एरिया क्रॉस रोड्स जो रहते हैं ना जो जैसे जहां चौराहा हम कहते हैं न हिंदी में जहां चार राह एक साथ मिल रहे गोल चक्कर जो होता है वो हमेशा बहुत ही कन्फ्यूजिंग एरिया रहता है फॉर क्रॉसिंग बिकॉज व्हीकल्स जो है आर मूविंग इन ऑल डायरेक्शन हर डायरेक्शन से व्हीकल्स मूव होते हैं सो क्रॉस वन रोड एट ए टाइम अगर आप मान लो यू आर हेयर ओवर यर राइट ना एंड यू आर नीडेड टू कम ओवर हेयर ओके सो यू आर रिक्वायर्ड टू क्रॉस थ्री रोड पहले आपको इस रोड को क्रॉस करके आना होगा यहां फिर इस रोड को क्रॉस करना होगा देन यू विल कम ऑन धिस रोड सो थ्री रोड्स को क्रॉस करना है तो आपको स्टेप बाई स्टेप करके रोड क्रॉस करना चाहिए नीदर यू यू आर सपोज टू क्रॉस स्ट्रेट अवे ना ही अब स्ट्रेट अवे नहीं आना चाहिए आपको कभी भी तो उससे क्या होगा कि इस रोड जो सामने वाला जो रोड था ये वाला रोड जो था इसमें भी व्हीकल्स चल रहे वो भी उससे भी आपको एक्सीडेंट हो सकता है इस साइड वाला भी आपको एक्सीडेंट करवा सकता है एंड दिस वन ऑल्सो फ्रॉम द फ्रंट सो यू शुड अवॉइड इट ओके क्या करना चाहिए क्रॉस वन रोड एट ए टाइम एंड नेवर ट्राई टू क्रॉस डायगनली एट एन इंटरसेक्शन जो मैंने आपको बोला ना कभी भी आपको डायग्नली क्रॉस नहीं करना चाहिए रोड और इंटरसेक्शन में एक दूसरे को जो, जो जोड़ती है ना क्रॉस करके उस तरह से तो आपको कभी भी नहीं करना चाहिए ओके नॉ नेक्स्ट कम्स प्लेइंग नियर रोड्स इज अनसेफ लाइक अर्लियर मैंने कल भी आपको पढ़ाया था तो बताया था ना कि रोड के आसपास में कभी हमें खेलना नहीं चाहिए वी आर अनसेफ ओवर दे इट सो वाइल यू आर थिंकिंग ऑफ कैचिंग द बॉल अगर आप सोच रहे हो बॉल आप क्रिकेट खेल रहे हो प्लेग्राउंड में हो घर के कैंपस में खेल रहे हो और बाई चांस जो बॉल है वो आपकी हिट करके रोड में चली गई मेन रोड या काइट फ्लाई करते करते रोड पे चली गई तो आप देखे अब चलो आई एल गो आपका फोकस कहाँ है ऑन द बॉल एंड और ऑन द काइट इन दिस वे ओनली आप फोकस करते हुए आगे बढ़ रहे हो आपको ये नहीं पता है कि आपके बैक से एक एक्सीडेंट होने की पूरी तरह संभावना है ओके okay?

अगर मान लीजिए आप फोर व्हीलर्स में हो कार में हो और जो कार ड्राइवर है या फिर आपके पेरेंट है कोई एल्डरली पर्सन है जो ड्राइव कर रहा है और चांस उसे कुछ जरूरत पड़ी और ही यू ऑल स्टे इन द कार आई विल बी राइट बैक इन अ मोमेंट और वो कार को ऑफ किया और चला गया तो उस वक्त आपको कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि कीज को ले कीज के साथ खेलें या स्टेयरिंग को घुमा रहे हैं वैसा आपको कभी नहीं करना चाहिए नीदर यू शुड प्ले विद द हॉर्न ऑल्सो ओके सो स्टीयरिंग व्हील के साथ आपको नहीं खेलना चाहिए गियर्स के साथ नहीं खेलना चाहिए हॉर्न के साथ नहीं खेलना चाहिए क्या होगा द कार में स्टार्ट अचानक से कभी कभी कार स्टार्ट हो जाएगी और मूव करेगी विच कैन कॉज एन एक्सीडेंट जिसके वजह से एक्सीडेंट होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहती है सो यू शुड टेक प्रिकॉशंस आपको सेफ्टी फॉलो करना चाहिए वाइल वॉकिंग ऑन द रोड नेक्स्ट कम्स आइडियली यू शुड सिट इन द बैक सीट ऑफ अ कार हमेशा आपको कार के बैक सीट में आईडेली आपको बैठना चाहिए शैतानी नहीं करना चाहिए बट वेन एवर यू सिट ने फॉगेड टू फास्ट इन दीट बेल्ट जो सीट बेल्ट है ना जैसे भी जैसे आप कार में बैठते हो आपको हमेशा क्या यूज करना चाहिए कार में दीट बेल्ट यू शुड ऑलवेज फास्ट इन दीट बेल्ट टू एवॉइड द इंजरी रिमेंबर टू अलाइट ऑन द साइड ऑफ द फुटपाथ एंड नॉट ऑन द साइड ऑफ द ऑनकमिंग ट्रैफिक मीन्स जब भी कार आप रुकता है और आपको कार से बाहर जाना है आपको हमेशा फुटपाथ के साइड में उसके डोर को ओपन करना चाहिए ना कि मेन रोड पे क्योंकि आप अचानक से डोर खोलोगे आपके वहीकल का कार का और अगर पीछे से बैक से कोई बाइक आ रही है तो वो भी हिट हो जाएगी उसका भी एक्सीडेंट हो जाएगा और आपको भी चोट लग जाएगा सो यू शुड अवॉयड सच थिंग्स नाउ गेट ऑन आप स्कूल बस से जाते हो मोस्ट ऑफ यू गो टू स्कूल बाय बस ओनली तो उसमें भी आपको अवॉइड करना चाहिए प्रिकॉशंस लेना चाहिए सेफ्टी देखना चाहिए गेट ऑन और ऑफ द बस एट द बस स्टॉप ओनली सिर्फ बस स्टॉप पर ही आपको उतरना चाहिए और बस स्टॉप से ही आपको आपके बस को कैच भी करना चाहिए कभी भी आपको रनिंग बस को कैच नहीं करना चलती हुई बस में कभी नहीं चढ़ना चाहिए और ना ही चलते हुए बस से आपको कभी भी नीचे उतरना चाहिए क्या होगा मूविंग बस इज वेरी डेंजरस यू मे फॉल डाउन एंड गेट हिट बाय अनादर मूविंग व्हीकल पीछे से जो कोई अगर व्हीकल आ रही है उससे भी आप हिट हो सकते हो इफ द बस डज नॉट स्टॉप वेट फॉर अनादर बस टू अराइव अगर बस आपकी नहीं रुकी किसी कारणवश आप स्टॉप हो जाओ वहीं पर यू शुड अवॉइड दीज थिंग्स ओके

आपको तो सुनाई देगा नहीं अगर पीछे से कोई व्हीकल आ रही हो और वो हॉर्न आपको रेगुलरली हॉर्न कर रही है ऑफ अ मूविंग वहीकल तो आपको पता नहीं चलेगा एंड मे गेट हिट सो यू शुड अवॉइड इट ना वाइल्ड क्रॉसिंग द रेलवे ट्रैक्स एट अ लेवल ये आप बहुत लोगों में है रेलवे ट्रैक से आप क्रॉस कर रहे हो रेलवे क्रॉसिंग से अगर उसका शटर नीचे गिर गया तो यू शुड वेट टिल द ट्रेन पास अवे और जब तक वो ओपन नहीं होता है कवर तब तक आपको क्रॉस कभी नहीं करना चाहिए नहीं तो क्या होगा वाइल्ड क्रॉसिंग द रेलवे ट्रैक्स एट अ लेवल क्रॉसिंग वेट फॉर द गेट्स टू ओपन ट्राइंग टू पास अंडर द लोअर गेट इज डेंजरस अचानक आप सोचोगे चलो ट्रेन तो अभी उतनी दूर है मैं तो क्रॉस करके जा चल जाऊंगा मैं बच जाऊंगा लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब आप क्रॉस करें ट्रेन बहुत फास्ट और बहुत स्पीड में चलती है ऑल ऑफ ए सडन वो आ जाती है और आप डिसबैलेंस हो जाते हैं एंड एक्सीडेंट आकर होता है सो यू शुड टेक सच प्रिकॉशंस नॉट सेफ्टी एट अदर प्लेसेज इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे जगह है जहां हमें सेफ्टी यूज करना चाहिए फर्स्ट वन इट इज डेंजरस टू टच एन अन अटेंडेड ऑब्जेक्ट पार्क में रोड में लॉन किसी लॉन में हमेशा कह देखे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना उस, उसको आपको टच नहीं अनएटेंडेड जो कोई नहीं टच कर रहा है वो किनारे में पड़ा हुआ उसे आपको कभी भी टच नहीं करना चाहिए ओके नेवर टच एन अनएटेंडेड ऑब्जेक्ट ओके इट मे बी अ स्मॉल पैकेट कभी कभी वो स्मॉल पैकेट में भी रहता है रेडियो भी रहता है कभी कभी ब्रिफकेस रहता है या बैग रहता है या कभी कभी मोबाइल फोन्स भी रहता है यू शुड ऑलवेज वॉट यू शुड डू यू शुड ऑलवेज इन्फॉर्म यूर एल्डर और अ पुलिस मैन इमिडिएटली हमेशा आपकी आपसे जो बड़े हैं उनको आपको इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि यहाँ पर एक अनएटेंडेड uh, पैकेट पड़ा हुआ है या फिर कभी कभी अगर पॉसिबल है तो पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि यहाँ अनअटेंडेड एक पैकेट रखा हुआ है जो कोई टच नहीं कर रहे हैं ओके okay? इससे क्या होगा कि आप बड़े ऐसे एक्सीडेंट से अपने को भी सेव कर लोगे एंड अदर यू कैन सेव मैनी लाइव ऑल्सो और भी लोगों की जान बचा सकते हो आप नेक्स्ट बी केयरफुल वेन यू मीट स्ट्रेंजर्स जब भी आप स्ट्रेंजर्स से मिलते हो ना हमेशा केयरफुल रहना चाहिए वाई नेवर एक्सेप्ट राइड्स उनके साथ राइडिंग पर कभी नहीं जाना चाहिए वो बोलते हैं ना कि आपके पापा बुला रहे हैं ममा बुला रही है मैं ऐसा हो गया एक्सीडेंट हो गया आपको हॉस्पिटल में आने के लिए कहा गया ये आपके पापा मम्मी ने मुझे आज भेजा है स्कूल से आपको लाने के लिए कभी भी नहीं आपको उनके साथ जाना चाहिए या अगर वो चॉकलेट आपको प्रेजेंट कर रहे हैं कि चॉकलेट ले लो मिठाइया दे रहे हैं गिफ्ट दे रहे हैं यू शुड नेवर इस टाइप की एक्टिविटी जो रहती है ना उसे आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए इवन फ्रॉम अ पर्सन हु इज कैजुअली नोन टू यू हल्का फुल्का आप अगर किसी को जानते भी हो बहुत अच्छे से नहीं पहचानते हो बस हाँ जानते यू नो कि हाँ ही इज सच पर्सन तब भी आपको उस पर्सन को अवॉइड करना चाहिए एंड यू शुड इन्फॉर्म योर पेरेंट्स और इधर द पोलिस क्लियर क्लियर

देम उनके ऊपर आपको कभी बेंड भी नहीं होना चाहिए डू नॉट वेस्ट मैचेस यूज अ कैंडल इंस्टेंट बार बार छोटी छोटी माचिस की मैचिज को आपको जलाना नहीं चाहिए बड़ा से कैंडल जला लो और फायर वर्क बर्न कर सकते हो आप इजिली नाउ वेन स्विमिंग इन अ पूल स्टे इन द दैलो एरिया इफ यू आर नॉट अ परफेक्ट स्विमर अगर आप स्विमिंग पूल में हो और आपको स्विमिंग नहीं आता है अच्छे से आपको हमेशा क्या करना चाहिए शेलो एरिया में रहना चाहिए बट नेवर ट्राई टू डाइव इन अलो एरिया और यू कुड बैंग योर हेड अगर आपको स्विमिंग नहीं आता है तो अपने आपको साइड में रखना चाहिए और ट्राई करना चाहिए और कभी भी अपने से खुद से जाकर डाइव नहीं करना चाहिए आपको तो पता नहीं है कि किस पॉस्चर में आपको डाइव करना है तो आप अपने हेड को इंजोर भी कर सकते हो ओके नाउ द नेक्स्ट वन इज फर्स्ट एड फर्स्ट एड हमने सेफ्टी रूल्स के बारे में पढ़ा ना उसी तरह फर्स्ट एड होता है सो इन माइंड नेक्स्ट क्लास we are going to study about the first aid so you people are required to read the chapter till where i have taught you people thank you